आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नल जल योजना का लाभ नहीं मिला, सड़कों की हालत भी है जर्जर। ग्रामीणों की चेतावनी, नहीं हुआ काम तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला ब्लॉक का ताजा मामला सामने आया, जहां ग्रामीण पिछले 4 साल से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में एक ही हैंडपंप था, जिससे ग्रामीण पीने का पानी भरा करते थे और पूरी पंचायत में पेयजल की इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। पर अब वो हैंडपंप भी खराब हो गया, जिससे नदी नालों का दूषित पानी पीने को ग्रामीण मजबूर है। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार आमला जनपद में की, साथ ही वर्तमान विधायक को भी इस समस्या से अवगत कराया, पर आज तक सिर्फ सांत्वना के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हर बार वादे किए जाते पर धरातल की हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीण दूषित पानी पीने के कारण तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, और तो और खराब सड़कों के कारण गांव से बाहर आने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यदि कोई बीमार हो जाए या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए 4 किलोमीटर उठाकर ले जाना पड़ता है, तब जाकर किसी साधन से अस्पताल पहुंच पाते हैं। ऐसे में किसी बड़ी घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं होता तो हम इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बहुत हो गए वादे और घोषणा। अब जब धरातल पर काम होगा तभी मानेंगे कि वर्तमान सरकार और अधिकारियों ने हमारी मांग सुनी और कार्रवाई की। अगर जल्द से जल्द सड़क और पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तो चुनाव बहिष्कार के साथ गांव में किसी भी जनप्रतिनिधियों को घुसने तक नहीं दिया जाएगा, ऐसा साफ तौर पर ग्रामीणों ने चर्चा में कहा। इन्हीं मांगों को लेकर आज ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। अब देखना यह है कि इन ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो, देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उत्तम आर से, ग्राम बलडाना। क्या समस्या लेकर आए? हम पानी की और रोड की समस्या लेकर आए हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी समस्या हल हो, पानी और रोड की विषम समस्या है। क्या स्थिति है अभी पानी की और अभी रोड की? अभी तो ऐसी स्थिति है कि अभी नदी नाले का पानी पी रहे हैं पूरी सारी जनता, और जिससे बाढ़ वाड़ अगर आ जाती है, बरसात होती है, तो वो वही पानी का सामना करना पड़ रहा है, या स्टॉक करके पानी पी रही है जनता हमारे यहाँ की। क्या व्यवस्था थी पानी की? सिर्फ पूरे गांव भर में एक ही हैंडपंप की व्यवस्था थी, वो भी हैंडपंप बंद हो चुका है, और बस यही व्यवस्था है, नदी नाले का पानी पी रही है अभी सारी जनता। और रोडों की कैसे? और रोडों की ये समस्या है कि वहाँ से अपन चल नहीं सकते, 4-व्हीलर भी नहीं जा सकती, 2-व्हीलर भी नहीं जा सकती। कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमें 3-4 किलोमीटर तक पैदल चल के और वो भाइयों को, डिलीवरी वाली भाइयों को एम्बुलेंस में रोड तक पहुंचाना पड़ता है। तब अपने हाथों से उठाकर? हाँ, उठा करके। तो जनप्रतिनिधि कभी आए हैं वहाँ? जनप्रतिनिधि आए हैं, पर वो सब साथ में नहीं देखे गए हैं कि बस हम करार देते रहे, 2-4 दिन में करा दे रहे हैं, 8 दिन में करा दे रहे हैं, पर हमारी इस समस्या को लेकर के कोई अभी तक हल नहीं निकला है। कब से परेशान? हम 4-5 साल से परेशान, 4 साल से तो कंटिन्यू परेशान है। उसके पहले तो एक हैंडपम्प चल भी रहा था। अब समस्या का निराकरण नहीं होगा तो क्या करोगे? अब समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम चाह रहे थे कि भाई अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, हम ये चाह रहे थे कि अब जाते रह रही है सरकार भी, तो हम चाह रहे थे कि भाई अगर हमारी ये समस्या का हल कर दे, और नहीं करती है तो हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे पूरे गाँव मिल करके, पूरी पंचायत, जो भी हमारे खेड़ा वाड़ा बढ़ाना करता है। क्या नाम है आपका? रवि ध्रुवे। रवि, कहाँ के रहने वाले और क्या समस्या लेकर आए? खेड़ा वाड़ा बिस्खान पंचायत, खेड़ा वाड़ा बिस्खान पंचायत। क्या समस्या लेकर आए? समस्या जमीन, रोड और पानी की। किस तरह से पानी की समस्या, पीने का पानी? क्योंकि हमारे यहाँ पेयजल जो योजना, नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिला, और दूसरी बात रोड इतनी ख़राब है कि अब चल नहीं सकते। डिलीवरी महिलाओं को हम उठा के मेन हाईवे तक लाना पड़ता है, कम से कम 3 किलोमीटर का मामला है। और जब से बीजेपी सरकार को हमने सोचा कि विकास करेगी करके हमने वोट दिया उसको, लेकिन अभी तक वो वादे पे वादे करती है और घोषणाएं करके चली जाती है, लेकिन कोई विकास करने का नाम नहीं ले रही है। तो सरपंच भी बीजेपी का है, लेकिन वो भी बोलता कलेक्टर जाना है तो चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस टाइप का बात करता है। जैसे वो सीईओ से भी बात करो तो कोई मतलब नहीं निकलता, इसीलिए हम आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए थे। कलेक्टर महोदय ने बोला है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण कर दिया जाएगा, और नहीं होता निराकरण, अब नहीं होता है तो फिर हम चुनाव बहिष्कार करेंगे खेड़ा वाड़ा बलढाना मिलके, और आने वाले चुनाव में किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे, ये हमारा प्रण है।